ईद ए मिलाद निमित्त अक्कलकोट मध्ये विविध धार्मिक कार्यक्रमांसह मिरवणूक काढण्यात आली. अक्कलकोट शहरातील माणिकपेठ सीरत कमिटीच्या वतीनं प्रेषित हजरत मोहम्मद पैगंबर साहेबांच्या जयंतीदिनी म्हणजेच ईद ए मिलाद निमित्त विविध धार्मिक उपक्रमांसह शहरातून भव्य मिरवणूक काढण्यात आली. यावेळी संयोजक मौलाना इरफान दावन्ना अत्तारी यांनी बोलताना प्रेषित हजरत मोहम्मद हे जागतिक समतेचे आणि बंधुभावाचे प्रतीक असल्याचं सांगितलं. सीरत कमेटी माणिकपेठ की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक मौके पर जुलूस ए मिलाद निकाला गया है. और ये जो जुलूस ए मिलाद होता है और ये जो आज का दिन होता है 12 रबीउल अव्वल जिसको कहते हैं, ये पूरे वर्ल्ड लेवल पर अमन डे यानी पीस डे के नाम पे मनाया जाता है. क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि आलम में जितनी चीज़ें हैं, जितने इंसान हैं, जितनी मखलूक़ात हैं, अल्लाह पाक ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम इंसानों के लिए, तमाम मखलूक़ात के लिए रहमतुलिल आलमीन बनाकर भेजा है. ये अमन का, शांति का दिन है. तो हमारी जानिब से, सीरत कमेटी माणिकपेठ की जानिब से दुनिया के तमाम इंसानों को ईद मिलादुन्नबी यानी पैगंबर जयंती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद हम पेश करते हैं. प्रेषित हजरत मोहम्मद पैगंबर यांच्या जयंतीनिमित्त माणिकपेठ सीरत कमेटीच्या वतीनं काढण्यात आलेल्या मिरवणुकीत अक्कलकोट शहरातील हजारो मुस्लिम बांधवांनी तथा आबालवृद्धांनी सहभाग नोंदवला. ही मिरवणूक शहरातील माणिकपेठ, कारंजा चौक, तूप चौक, फत्तेसिंह चौक, नाईकवाडी गल्ली, एवन चौक, बसस्टँड मार्गे, खासबाग इथून माणिकपेठ इथं आल्यानंतर सजावट केलेल्या वाहनांना अनुक्रमे प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय क्रमांकाचं पारितोषिक वितरण करून नातखवानी आणि फातेहा देऊन कार्यक्रमाची सांगता करण्यात आली. शहरातील विविध सामाजिक संघटनांच्या वतीनं शरबत आणि प्रसादाचं वाटप करण्यात आलं.